देहरादून में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रमोद उन्हा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जहां कार्यकर्ताओं सहित जनता के बीच चुनावी बिगुल फूंकने का कार्य किया है, वहीं डबल इंजन की सरकार ने काफी जनहित के कार्य भी किए हैं। तब चाहे वो हर घर नल, हर घर जल, नेशनल हाईवे निर्माण सहित अन्य कार्य ही क्यों न हो। पहले मैं धन्यवाद मोदी जी कहूँगा और ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, युग पुरुष हमें मिले हैं, जो उन्होंने कहा वो किया। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व के भाषण में कहा था उत्तराखंड आने पर कि पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम आएगा, तो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। आज जो डबल इंजन की सरकार को लेकर के कहा गया, जब डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास की गंगा बहेगी। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि विकास की गंगा हमारे उत्तराचल में बह रही है। आज हमने देखा है रोजगार को लेकर के वन रैंक वन पेंशन की जो मांग लंबे समय से हमारे सैनिकों को थी वो पूर्ण हुई है, जिससे एक हर्षोल्लास रहा है। और दूसरा, जिस प्रकार से चारों धाम में मार्ग का जिस प्रकार से चुस्त दुरुस्त हो रहे हैं और विकास हो रहा है, जिस प्रकार से 12,000 करोड़ की जो योजना पूरे उत्तराखंड को दी गई है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हम लोग देहरादून और टिहरी में आने में लगभग हमको 3-4 घंटे लगते थे, अब लगभग मात्र हम 2 या 2.5 घंटे में आप टिहरी से देहरादून चले जाते हैं। इसी प्रकार से इस जो मोदी भाई ने आकर के देहरादून में कहा, जो योजना का उद्घाटन किया, विभिन्न योजनाएँ हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य को दी हैं। आपने देखा होगा कि जो अब दिल्ली से और देहरादून का जो सफ़र था वो 2-2.5 घंटे में पूरा होने वाला है। जिस प्रकार से जो मार्ग कॉरिडोर मार्ग कल घोषणा की गई, उसका उद्घाटन किया गया, वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहाँ से जो पर्यटक हमारे उत्तराखंड का जो बहुत अच्छा दृश्य है, यहाँ की प्रकृति है, यहाँ का जो पैटर्न है, पर्यटन को लेकर के उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। लोग जितने छुट्टी में आकर के या समय रहते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, ये विकास होगा हमारे। फिर यहाँ के जल को लेकर के घर घर नल, घर घर जल की योजनाएं मोदी जी भाई के द्वारा दी गई, पूरे राष्ट्र को दी गई, उत्तराखंड में पूरा दिया गया। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अब हमारे जो टिहरी बांध के अंदर जो चारों तरफ जो आपका झील में पर्यटन को बढ़ावा लेकर के योजनाएं केंद्र की दी जा रही हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर के एक विकास का कार्य कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार का एक ये परिणाम है। जिस प्रकार से 42,000 करोड़ से की योजना ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल मार्ग की है, जिसमें 8,000 करोड़ के टेंडर पड़ चुके हैं। आपने देखा होगा जो हमारा युवा कहता था कि जिस प्रकार से हिमाचल में शिमला तक रेल गई है, अन्य जो हमारे जो हिल स्टेशन है, ऐसे जो पर्वतीय राज्य हैं उनमें जो हमेशा रेल की सुविधा रही है, तो आज तक आज़ादी के बाद से ऋषिकेश तक भी रेल रही, उससे ऊपर कभी रेल नहीं चढ़ी है। आज पूरा आपने देखा हो गया, नया आधुनिक रेलवे स्टेशन हमारा ऋषिकेश में स्थापित हो चुका है, रेल की लाइन बनने का कार्य हो रहा है और हम लोग निश्चित तौर पर ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की जो हमारी दूरी वो बहुत आसान होने वाली है। इसके अलावा हमारे पास जो आपने देखा कि आपका जो पर्यटन को लेकर के जो हमारे राज्य में हमेशा मांग रहे कि पर्यटन का इसमें बढ़ावा दीजिए, पर्यटन बढ़ावा दीजिए, जिससे हमारा राजस्व बढ़े। हमारा जो पलायन की बात हमेशा कहते हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, तो पलायन हमारा आराम से रुक जाएगा। जिस प्रकार की योजनाएँ केंद्र ने हमारे राज्य को दी है और केंद्र डबल इंजन की सरकार ने दी है, उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, आते रहेंगे और निश्चित तौर पर हमारा जो समृद्ध राष्ट्र है उसका जो निर्माण में हमारा उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। तो मैं धन्यवाद पुनः मोदी जी को देना चाहूँगा। धन्यवाद मोदी जी, हमारे जो राष्ट्र के गौरव हैं, पूरे विश्व के मार्गदर्शक हैं, हमारे पर जन के आत्मा और हमारी धड़कन है, ऐसे मोदी जी को मैं सलूट करता हूँ। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।